हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम करने जा रहे हैं ओबेच ST303 2.1 मल्टीमीडिया स्पीकर की अनबॉक्सिंग। दोस्तों, अभी इस मॉडल का करंट प्राइस चल रहा है 4300 रुपीस। अगर दोस्तों आपको ये मॉडल को परचेस करना होगा तो डिस्क्रिप्शन में मैं इस मॉडल का बेस्ट बाय लिंक दे दूंगा, जाकर आप परचेस कर सकते हैं। दोस्तों, यार आप लोगों की बहुत ज़्यादा डिमांड आ रही थी मेरे पास कि यार इस मॉडल की वीडियो लेकर आइए, सो फाइनली आज हम आपके लिए लेकर आ गए हैं। एंड दोस्तों, ये कोई स्पॉन्सर वीडियो नहीं है, हमने इस मॉडल को खुद परचेस करा है। सो देखेंगे दोस्तों कि यार ये मॉडल 4500 की रेंज में बढ़िया है या नहीं है। दोस्तों, आज हम इस मॉडल को पूरा अनबॉक्स करेंगे, आपको इसके डिजाइन को काफी डिटेल में दिखाने वाले हैं, साथ में दोस्तों हम इसका साउंड टेस्ट भी करेंगे। सो आप वीडियो को पूरे एंड तक देखिएगा। अगर आपको हमारा काम पसंद आएगा, वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगेगी, सो जरूर से चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस करिएगा ताकि नए नए वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। एंड दोस्तों, जल्दी हम इस मॉडल का हिंदी पे भी साउंड टेस्ट लेकर आने वाले हैं इंस्टाग्राम पर, सो आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैं इंस्टाग्राम की आईडी का लिंक दे दूंगा। सो यार, वक्त ज्यादा ना गवाते हुए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये है हमारा ओबेच ST303 2.1 मल्टीमीडिया स्पीकर का बॉक्स। देखिए दोस्तों, बॉक्स पर हमें मॉडल नंबर मेंशन करा हुआ मिल जाता है, साथ में दोस्तों हमें ब्लूटूथ के बारे में भी मेंशन करा हुआ मिलता है। दोस्तों, इस पर हमें ब्लूटूथ 5.0 वर्जन का सपोर्ट मिल जाता है, साथ में दोस्तों हमें मॉडल का पूरा डिज़ाइन भी बॉक्स पर बना हुआ मिल जाता है। दोस्तों, हम इस सिस्टम को अपने मोबाइल, PC, लैपटॉप, TV, DTH एंड DVD प्लेयर के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, साथ में दोस्तों हमें USB का भी पोर्ट इस पर मिलता है। चलो दोस्तों, अब अपने बॉक्स को फटाफट से ओपन करते हैं एंड आपको हर एक चीज़ को डिटेल पे दिखाते हैं। तो देखिए दोस्तों, बॉक्स हमारा ओपन हो गया है। सबसे पहले हमें ओबेच की तरफ से थैंक यू कार्ड इस पर मिल जाता है। दोस्तों, हमें वारंटी कार्ड भी इस पर मिलता है, हमें यूज़र मैनुअल भी मिल जाती है, प्रोडक्ट के रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन हमें यूज़र मैनुअल पर मिलेगी। दोस्तों, हमें RC2 3.5 mm केबल भी मिल जाती है, साथ में हमें RC2 RCA केबल मिलती है एंड हमें FM एंटीना केबल भी मिल जाती है। दोस्तों, हमें रिमोट कंट्रोल भी बॉक्स के अंदर मिल जाता है, सो हम अपने सिस्टम को रिमोट कंट्रोल से ऑपरेट कर पाएंगे। देखिए दोस्तों, हमें इक्वलाइजर का भी बटन मिल जाता है रिमोट कंट्रोल पे, सो हम इक्वलाइजर को भी रिमोट कंट्रोल से एडजस्ट कर पाएंगे। बट दोस्तों, यार हमें बेस एंड ट्रेबल कंट्रोल्स के बटन्स रिमोट कंट्रोल पे नहीं मिलते हैं, तो ये मुझे थोड़ा सा ड्रॉबैक लगा है। रिमोट कंट्रोल पे अगर बेस एंड ट्रेबल कंट्रोल के बटन मिलते तो मेरे हिसाब से काफ़ी बेटर ऑप्शन होता। बाकी दोस्तों, डिज़ाइन हमें रिमोट कंट्रोल का बढ़िया मिल जाता है। चलिए दोस्तों, अब अपने दोनों सैटेलाइट स्पीकर भी बॉक्स से बाहर निकालते हैं, अनरैप करके आपको डिटेल पे दिखाते हैं। तो देखिए दोस्तों, हमने दोनों सैटेलाइट स्पीकर्स को अनरैप कर दिया है। दोस्तों, यार सैटेलाइट स्पीकर का जो डिज़ाइन है वो काफ़ी सॉलिड हमें मिल रहा है, साथ में साइज़ जो है वो काफ़ी कॉम्पैक्ट सा है। दोस्तों, सामने की तरफ से हमें दोनों सैटेलाइट स्पीकर्स पर 3-3 इंच के ड्राइवर्स मिल जाते हैं एंड आउटपुट है दोस्तों 10-10 वॉट्स का, यानी कि 20 वॉट्स RMS के हमें दोनों सैटेलाइट स्पीकर इस पर मिलते हैं। एंड बिल्ड क्वालिटी भी दोस्तों सैटेलाइट स्पीकर्स की हमें काफ़ी बढ़िया मिल जाती है। सैटेलाइट स्पीकर के बैक साइड पर देखिए, हमें वॉल माउंट का भी ऑप्शन इन पर मिल जाता है, यानी कि आप दोनों सैटेलाइट स्पीकर को वॉल माउंट भी कर पाएंगे। चलिए दोस्तों, अब अपने थर्माकोल को बॉक्स से बाहर निकालते हैं, सबवूफर को भी बॉक्स से बाहर निकाल के अनरैप करके आपको डिटेल पे दिखाते हैं। तो देखिए दोस्तों, हमने सबवूफर को भी अनरैप कर दिया है। दोस्तों, यार सबवूफर का भी जो डिज़ाइन है वो हमें काफ़ी बढ़िया मिल रहा है एंड सबवूफर का साइज़ काफ़ी ज़्यादा ह्यूज है प्राइस के अकॉर्डिंग। चलिए अब मैं आपको इसे पूरा डिटेल में दिखा देता हूँ। दोस्तों, सामने की तरफ से देखिए, हमें LED डिस्प्ले मिल जाता है, SD कार्ड स्लॉट भी मिलता है, USB पोर्ट मिलता है एंड हमें कुछ बटन्स भी मिल जाते हैं, जैसे कि मोड का बटन, प्ले पॉज प्रीवियस नेक्स्ट, ये सारे बटन्स हमें फ्रंट के टॉप पर मिलते हैं। दोस्तों, सामने की तरफ से हमें इस पर 5.25 इंचेस का सबवूफर मिल जाता है एंड दोस्तों सबवूफर का जो टोटल पावर आउटपुट है 30 वॉट्स RMS का। दोस्तों, साइड से देखिए, हमें ऑक्स पोर्ट मिल जाता है, साथ में हम ट्रेबल बेस एंड वॉल्यूम को एडजस्ट कर सकते हैं। देखिए, नोब्स हमें मिल जाते हैं, हमें FM एंटीना पोर्ट भी मिलता है एंड नीचे से देखिए, हमें पावर ऑन ऑफ का स्विच भी इस पर मिल जाता है। दोस्तों, बैक साइड पर देखिए, हमें सैटेलाइट स्पीकर को कनेक्ट करने के लिए सॉकेट इस पर मिल जाते हैं, सो दोनों सैटेलाइट स्पीकर हमारे बैक साइड पर कनेक्ट होंगे। एंड इस साइड पर देख लीजिए, हमें बेस रिफ्लेक्ट पोर्ट मिल जाता है, यानी कि होल जहां से एयर पास होगी, बट दोस्तों यार इस पर हमें प्रोटेक्शन नहीं मिलता है। बाकी दोस्तों यार, सबवूफर की भी बिल्ड क्वालिटी हमें काफ़ी बढ़िया मिल जाती है। चलिए दोस्तों, अब अपने सिस्टम को पावर ऑन करते हैं एंड आपको इसका थोड़ा डेमो देते हैं। तो हम इसे सबसे पहले पावर ऑन करते हैं। देखिए दोस्तों, हमने पावर ऑन कर दिया है एंड LED डिस्प्ले ऑन हो गया है, यानी कि जो भी फंक्शन हम ऑपरेट करेंगे वो डिस्प्ले पे शो हो जाएगा। सो सबसे पहले दोस्तों, हम इसकी आपको टॉप वॉल्यूम दिखा देते हैं। तो दोस्तों, इस पर हमें 32 तक की मैक्स वॉल्यूम मिल जाती है,
साथ में देखिए हमें रिमोट कंट्रोल पर इक्वलाइजर का भी बटन मिल जाता है, सो हम इक्वलाइजर को भी एडजस्ट कर सकते हैं। इस चीज का भी मैं डेमो आपको दे रहा हूँ, पॉप, रॉक, जैज, क्लियर। सो इस तरीके से हमें बहुत सारे इक्वलाइजर बैंड्स भी इस पर मिल जाते हैं इनबिल्ट, एंड इसे हम रिमोट कंट्रोल से ही एडजस्ट कर पाएंगे। दोस्तों हमें मोड का बटन भी मिल जाता है रिमोट कंट्रोल पर, सो हम मोड्स को भी चेंज कर सकते हैं रिमोट कंट्रोल से। मैं आपको दिखा देता हूं, देखिए ये है एफएम मोड, ये है लाइन इन मोड, ये है ब्लूटूथ मोड। सो हम रिमोट कंट्रोल से मोड्स को भी स्विच कर सकते हैं, तो ये चीज बढ़िया है। साथ में दोस्तों यार देखिए साइड से हमें बेस एंड वॉल्यूम को कंट्रोल करने के लिए नोब्स मिल जाते हैं, साथ में हम ट्रेबल को भी एडजस्ट कर सकते हैं, तो ये चीज बढ़िया है। बट अगर ये रिमोट कंट्रोल पे देते तो मेरे हिसाब से थोड़ा सा ज्यादा बेटर ऑप्शन होता। चलिए दोस्तों अब अपने सिस्टम का फर्स्ट अटेम्प्ट पे साउंड टेस्ट कर लेते हैं। तो देख लीजिए हमने अपना फोन ब्लूटूथ के साथ कनेक्ट कर लिया है। प्लीज अब अपने हेडफोन्स का यूज करिए, तब भी आपको साउंड क्वालिटी का पता लग पाएगा। एंड रेडी रहेगा, जल्दी इसका डिटेल साउंड टेस्ट वीडियो आ जाएगा। फुल वॉल्यूम पे इस तरीके से बेस एक्यूरेट घूमना वो बहुत कम सिस्टम कर पाते हैं। ये चीज सही बात है। तो दोस्तों कैसा लगा आपको फर्स्ट अटेम्प्ट में इस मॉडल का साउंड, बताएगा मुझे कमेंट बॉक्स में। आई थिंक आपको थोड़ा बहुत आइडिया मिल गया होगा कि इस मॉडल पर हमें एक्चुअल पर किस तरीके का साउंड परफॉर्मेंस मिलता है। सो मुझे अपना एक्सपीरियंस जरूर से कमेंट करके बताइएगा कि यार आपको इस मॉडल की ऑडियो क्वालिटी फर्स्ट अटेम्प्ट में कैसी लगी है, एंड ओवरऑल दोस्तों यार इस प्राइस रेंज में ये मॉडल आपको कैसा लगा है। चलिए दोस्तों अब मैं अपना लाइव एक्सपीरियंस टू बी ऑनेस्ट आपके साथ शेयर कर देता हूँ, एंड अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ कि यार मुझे ये मॉडल फर्स्ट अटेम्प्ट में कैसा लगा है साउंड क्वालिटी में। दोस्तों यार फर्स्ट अटेम्प्ट में मुझे इस मॉडल की साउंड क्वालिटी बढ़िया लगी है, स्पेशली दोस्तों इस मॉडल की मुझे बेस क्वालिटी काफी अच्छी लग रही है। बाकी डिटेल साउंड टेस्ट वीडियो का वेट करेगा, सारे डाउट्स आपके क्लियर होने वाले हैं साउंड के रिलेटेड, एंड आपको पता लग जाएगा कि यार ये 4500 में बेस्ट है या नहीं है ओवरऑल साउंड क्वालिटी में। सो साउंड टेस्ट वीडियो का वेट जरूर से करेगा, जल्दी वो वीडियो हम अपलोड कर देंगे। अब दोस्तों मैं आपको बताता हूं कि यार मुझे ये मॉडल 4300 में कैसा लगा है, मतलब प्राइस के अकॉर्डिंग बढ़िया है या नहीं है। सबसे पहले बात करें दोस्तों हम इसके डिजाइन की, दोस्तों यार मुझे इसका डिजाइन बढ़िया लगा है, प्रीमियम क्वालिटी का हमें मिल रहा है, साथ में दोस्तों यार बिल्ड क्वालिटी भी इसकी एक नंबर हमें मिलती है। सो बिल्ड क्वालिटी में भी एंड डिजाइन में भी आपको कमी नहीं मिलेगी, आपको प्राइस के अकॉर्डिंग बढ़िया लगेगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों फीचर्स की, वैसे फीचर इस पर हमें सारे देखने को मिल जाते हैं जितने भी हमें इस प्राइस रेंज के मॉडल्स पर देखने को मिलते हैं, जैसे कि ब्लूटूथ 5.0 वर्जन का सपोर्ट, ऑक्स का सपोर्ट, यूएसबी का सपोर्ट, एसडी कार्ड का सपोर्ट, एंड एफएम रेडियो भी हमें मिल जाता है। सो यार फीचर्स के हिसाब से आपको कोई भी कमी नहीं मिलेगी, बट दोस्तों यार मुझे थोड़ा सा ड्रॉबैक एक चीज में लगा है। दोस्तों इसका जो बेस एंड ट्रेबल कंट्रोल है
मिलता है वो हमें रिमोट कंट्रोल पे नहीं मिलता है। अगर वो रिमोट कंट्रोल पे मिलता तो मेरे हिसाब से थोड़ा सा ज़्यादा बेटर ऑप्शन होता। अदरवाइज यार दोस्तों इस मॉडल में कोई भी कमी नहीं है, प्राइस के अकॉर्डिंग ये मॉडल बेस्ट है। बाकी मैंने आपको बता ही दिया है, अगर आपको साउंड क्वालिटी के बारे में डिटेल पे जानना होगा तो जरूर से आप सेकंड पार्ट का वेट करिएगा, जल्दी हम इसका डिटेल साउंड टेस्ट वीडियो लेकर आएंगे एंड साउंड के रिलेटेड आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। सो दोस्तों यही था मेरा लाइव एक्सपीरियंस जो कि मैंने टू बी ऑनेस्ट आपको बता दिया है, फिर भी अगर आपका कोई डाउट रहेगा तो जरूर से मेरे से पूछ लीजिएगा। सो यार आशा करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि नए नए वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। दोस्तों मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।